देखो बच्चे बैठ दो चलती है भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं कुछ नया करके। इसने बताओ, आज हम जा रहे हैं रेल म्यूजियम जो कि है दिल्ली में, और वहाँ पे बहुत सारे रेल के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आपको वो दिखाते हैं। और वहाँ पहुँचकर हम दिखाएंगे कि कितनी सारी वहाँ ट्रेन्स हैं। हमें कोई नॉलेज तो नहीं है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा है। हमने यूट्यूब पर ही देखा है, और वहाँ जाकर बताएंगे कि कैसा व्यू है वहाँ का। तो हम जा रहे हैं और मेरा भाई आ रहा है हापुड़ से, तो हम सब मेट्रो से जाएंगे। तो आज हम आपको दिखाएंगे मेट्रो का सफर। और गए तो हम पहले भी हैं, जब स्नेहिल का बर्थडे था, टू इयर्स पहले, तो नहीं टू ईयर नहीं, काफी टाइम हो गया है। तो स्नेहिल का बर्थडे था तो हम गए थे डॉल म्यूजियम, साइंस म्यूजियम और आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजियम, और वहाँ वो क्या है, कुतुब मीनार भी गए थे, इंडिया गेट भी गए थे। तो हमने तब मेट्रो में पहली बार सफर किया था। स्नेहिल ने बहुत ज्यादा जिद की थी। स्नेहिल बताओ, स्नेहिल बहुत ज्यादा जिद की थी कि क्या कहा था मेट्रो में, कि मुझे मेट्रो में बैठना है। स्नेहिल कभी मेट्रो में नहीं बैठा था, स्नेहिल कभी भी मेट्रो में नहीं बैठा है गाइस। तो उसने बहुत ज्यादा जिद की कि मेरे को मेट्रो में बैठना है। तो हमने फिर अपनी कार पार्किंग में खड़ी की और मेट्रो से गए थे हम, और काफी अच्छा लगा। और उसके बाद स्नेहिल बहुत छोटा था, स्नेहिल कितना था, छोटा नहीं, कौन सी क्लास में था बेटा? मैं सेकंड क्लास में था। हाँ, तो स्नेहिल ऐसी था सेकंड क्लास में, और अब स्नेहिल फिफ्थ में आ चुका है, तो थ्री इयर्स एगो है ना, ये पुरानी बात है। तो वहाँ गए थे हम, और वहाँ काफी मतलब मेट्रो में जाके हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ। तो गाइज, आज हम आपको दिखाएंगे, बहुत समय के बाद हम मेट्रो में बैठेंगे, कि मेट्रो में कैसी जर्नी रही हमारी, कुछ इम्प्रूव हुआ या नहीं। स्नेहा बोलो, क्या करोगे मेट्रो में? मेट्रो में जाएंगे, कार का बाय कार तो बहुत बार गए हैं। अब मेट्रो नॉर्मल हो चुका है, अब हर जगह आपको मेट्रो मिलेगा। तो बेसिकली आपको मेट्रो यूज करना चाहिए, क्योंकि कार से पोल्यूशन होता है, और मेट्रो से कम रुपीस भी लगते हैं, और ज्यादा हम जल्दी भी पहुंच सकते हैं। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन कभी कभी मतलब जाना चाहिए मेट्रो से भी। मेट्रो से ही जाना चाहिए? नहीं, मेट्रो से भी जाना चाहिए, क्योंकि मेट्रो अच्छी लगती है, ट्रेन भी पसंद है हमें। बच्चों को वैसी ट्रेन पसंद नहीं है, जैसे हम वैष्णो देवी गए थे तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, बच्चे बहुत छोटे थे उस टाइम पे, तो बच्चे परेशान हो गए थे। नहीं, रेलवे तो ऐसा ही है, उसमें भी फर्स्ट एसी और ये सब होता है ना, वो तो काफी बेटर है, लेकिन वही वाली प्रॉब्लम है, जनरल वार्ड तो सब में ऐसे रहते है ना, सफाई तो रहती नहीं है। वी प्रेफर आज हमारा अचानक से प्लान बना कि हम जाएंगे ट्रेन म्यूजियम, और काफी टाइम पहले हम सोच रहे थे, लेकिन आज तक भी ना प्लान बन ही नहीं पाया, हमेशा फ्लॉप हो जाता था, कुछ ना कुछ लगा ही रहता था। तो आज हमने सुबह सुबह सोचा उठते के साथ चलेंगे, क्योंकि प्लान नहीं था और एकदम से बनाया है। और वो 10 o'clock खुल जाता है, सॉरी गाइज, मुझे पता नहीं था, मैं सोच रही थी 7 बजे बंद होता है, बट वो 5 o'clock बंद हो जाता है। वहाँ पहुँच जाएंगे, और फिर उसके बाद 2-3 घंटे लगते हैं घूमने में, आराम से घूमेंगे, बाद शाम को वापस आ जाएंगे और इंजॉय करेंगे। सचिन जी बोलिए, सब ठीक है। किसका इंतजार हो रहा है? मामा का इंतजार हो रहा है, अतुल का इंतजार हो रहा है। हम पहुंच चुके नहीं, हम है राजनगर एक्सटेंशन में, उसका वेट कर रहे हैं कि वो कब आएगा। और हम तो निकल गए, हमारा घर तो गाजियाबाद में ही है, तो हम तो निकल गए, लेकिन उसको टाइम लग गया, अचानक से प्लान बना है, तो भाई तैयारी करने में टाइम तो लगता ही है ना, इसलिए
तो और हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि और नहीं क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। उसकी बेटी का बर्थडे भी आ रहा है 5 डेज बाद। सिद्धि का रिद्धि रिद्धि का सॉरी दोनों का नाम सेम है ना, तो उसका बर्थडे भी आ रहा है, तो हमने सोचा इस बहाने से घूमना भी हो जाएगा, उसके बर्थडे की पार्टी भी हो जाएगी और बच्चे घूम भी लेंगे। और बच्चों को बहुत टाइम हो गया है आपस में स्पेंड करे हुए, ऐसे तो चले जाते हैं लेकिन लॉन्ग ट्रिप पे तो कहीं गए ही नहीं है। लास्ट वैष्णो देवी गए थे लॉन्ग ट्रिप पे, 14 आवर्स की ट्रिप थी हमारी, हम बाय कार गए थे। अब की बार अगर जाएंगे तो हम आपको साथ में लेके जाएंगे अपने एयरप्लेन से जाएंगे और व्लॉग भी देंगे। हाँ। व्लॉग भी देंगे, लास्ट टाइम हम व्लॉगिंग नहीं करते थे, अब हम आपको 14 आवर्स की व्लॉगिंग दिखाएंगे, लॉन्गेस्ट व्लॉगिंग इन द यूट्यूब हिस्ट्री। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसे इतनी लॉन्ग तो कोई देखेगा भी नहीं इतनी बड़ी नहीं देखेगा कोई भी, तो कट कर देंगे दिखाएंगे। और ये जो ट्रेन म्यूजियम है ना गाइस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है और वहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है, और उसके अंदर म्यूजियम भी है और प्लस गार्डन भी है उसमें, और बच्चों के लिए पार्क भी है। तो काफी सारी चीजें जो हमने सुनी हुई है, हमने देखी नहीं है, हम जाके देखेंगे और तब बताएंगे वहाँ क्या क्या है। और पुरानी पुरानी ट्रेन है वो उसमें बता रहे थे कि ना बहुत पुरानी जो ट्रेन चलती थी तो वो है, तो बच्चों को जिनको ट्रेन पसंद नहीं है ना, फर्स्ट ट्रेन हमारी उनको दिखाएंगे। मुंबई टू थाने तक की वो वाली ट्रेन भी है उसमें, मतलब उसका जैसा है वो म्यूजियम है। म्यूजियम में ना बहुत सारी ट्रेन भी रखी हुई है, ये मैंने देखा था, ट्रेन है वो जो पहले चलती थी उनके जैसा ही उन्होंने ऐसा बना दिया है कि हम देख सकते हैं और उनके बारे में इन्फॉर्मेशन पता लगा सकते हैं। और ऑलमोस्ट हमने दिल्ली सारा कवर कर लिया है, सारी जगह वैसे हम दिल्ली में डोल म्यूजियम, साइंस म्यूजियम, जू और कुतुब मीनार, इंडिया गेट सब गए हुए हैं, और अक्षरधाम टाइम गए हुए हैं, और वहाँ भी गए हुए हैं मुगल गार्डन भी गए। अक्षरधाम तो हम 7 टाइम गए हुए हैं, मुगल गार्डन में 2 टाइम्स गई हूँ, एक बार स्कूल की ट्रिप से एक बार ही घर। लेकिन उस टाइम गाइस हम व्लॉगिंग नहीं करते थे, हमें कोई आइडिया नहीं था, गलत नहीं करते ही नहीं थे, चलती थी व्लॉगिंग, हम सिर्फ फोटो करते थे, फोटोग्राफी बहुत की है, वीडियोग्राफी बहुत की है, पर लेकिन हमें इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अब व्लॉगिंग मेन हो गई है, सब बनाने लगे हैं, तो हमने सोचा हम भी बनाएंगे, हम क्यों नहीं बना सकते, तो आपको दिखाएंगे। और अब पुरानी क्लिप्स अगर अब डालूंगी तो बहुत पुरानी है वो, और उस टाइम के कैमरे आपको पता है इतने अच्छे नहीं होते थे, पिक्सल इतना क्लियर ही नहीं था, तो अब तो हमें दोबारा जाना पड़ेगा और मजा आएगा, वीडियो बनानी पड़ेगी तब आपको दिखाना पड़ेगा। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर अभी आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, नहीं तो आपके घर आके सब्सक्राइब करवाएंगे, और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले, और हमारा व्लॉग जल्दी आएगा ट्रेन म्यूजियम का, तो आप उसे स्किप मत करना, जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना गाइज, और हम अच्छी अच्छी वीडियोस लाएंगे। और अभी के लिए हम जा रहे हैं घूमने के लिए, व्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि घर में तो इतने अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स नहीं होते हैं, आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो प्लीज 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 हमारे व्लॉग को मिस मत कीजिएगा, आएगा ट्रेन म्यूजियम विजिट व्लॉग। सो बाय गाइस, बाय, मिलते हैं ट्रेन म्यूजियम में। रास्ते में गाइस बहुत ज्यादा जाम है, क्योंकि आज सैटरडे है, नहीं सैटरडे तो गलत बता दिया क्योंकि व्लॉग आएगा लेट, तो व्लॉग आएगा लेट तो इसलिए मैं हंस रही हूँ कि सैटरडे है। सैटरडे और संडे में तो बहुत ज्यादा जाम मिलता है रास्ते में, आप चाहे कितनी जल्दी निकल जाओ, वीकेंड पर तो सब जगह यही हालत रहेगी। तो अब हम निकल गए हैं, मेरा भाई आ चुका है, पीछे उसकी गाड़ी आ रही है, बोरी जो ये पीछे गाड़ी आ रही है ना, इसमें बैठा हुआ है वो तो हमारे पीछे जस्ट वो आ चुका है। अब हमारी गाड़ी भी निकल चुकी है यहाँ से, और
देखते हैं कितना टाइम लगेगा मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने में, कितना टाइम लगेगा कोई आइडिया नहीं है। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम, मास्क लगा लिए हैं सबने क्योंकि बहुत जबरदस्त चेकिंग है यहाँ पर, बिना मास्क के नहीं जा सकते, फाइन लग जाएगा। स्नेहिल ने भी लगा लिया है, उसके पापा ने भी लगा लिया है सब ने मास्क लगा लिया। गरम गरम आ गया है। कर दो, ऐसे नहीं खड़ी करते रास्ते में, अब यहाँ नहीं खड़ी करते। ये तो एक ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ, यहाँ कोई पार्किंग नहीं है, पर ये गलत, और हमें जाना पड़ेगा वैशाली। वैशाली में पार्किंग है, ओफो, अब क्या करें? अरे ये तो बड़ी, ले लेना पीछे शॉप है, चिप्स का लगाना है वहाँ। पहली बात तो ना ट्रेजेडी हो चुकी है, क्योंकि हमने सोचा था यहाँ पार्किंग मिल जाएगी, यहाँ कोई भी मेट्रो के लिए पार्किंग नहीं है, स्कूल बस के लिए पार्किंग है, और हमें जाना पड़ेगा अब अगर मेट्रो से जाना है वैशाली, और वैशाली से मेट्रो लेनी होगी। गाइस हम कार से भी जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें कार से रास्ता ही नहीं पता है, रोड बाय रोड पता ही नहीं है कहाँ से जाना है, इस वजह से हम मेट्रो से जाना चाहते थे। यही रीजन था कि आज हम मेट्रो से जाएंगे और आपको मेट्रो का सफर दिखाएंगे, और दोनों बातें कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुझे तो बस खाने की है ना हर टाइम, वहाँ पे मिलेगा नहीं क्या कुछ? और अब मिलेंगे थोड़ी देर में। अब क्या हुआ, क्या हुआ वैशाली? अरे पेट्रोल कम है, फोन उठा अपना, बताओ। ये तो बड़ा बुरा हुआ आज हमारे साथ, बड़ा खुश होकर आए थे यहाँ पर। ये हिंडन वाला है ना, ये हिंडन वाली पीर बाबा की जय। यहाँ पे है अर्थला पीर बाबा, ये देखो जय हो पीर बाबा की, जैसे हाथ जोड़ते ही नहीं चलते जब यहाँ पे आए थे, पीर बाबा की 2 मिनट लगती। यहाँ ये था अर्थला पीर, पीर बाबा की जय। आना नहीं होता है कभी भी, और इतना अच्छा दिन था, ध्यान ही नहीं करा यहाँ खड़े थे तो फिर 1 मिनट लगती। हम वेस्ट म्यूजियम भी गए हैं, आपको बताना भूल गई थी, वहाँ पे 7 वंडर्स बने हुए हैं वेस्ट से, वो बहुत अच्छा है। और हमने वहाँ पे पहले टिकटॉक चलता था, तो टिकटॉक पे वीडियो बनाई थी, आप टिकटॉक बैन हो गया तो हमने जब भी नहीं बनाई थी वीडियो। गाइस मैं खींच देता हूँ, ये अगर तो वीडियो वायरल होगी इस ईयर टिकटॉक आ जाएगा। टिकटॉक तो बेकार, ऐसे पबजी वायरल हुआ टिकटॉक। तो अब हम जा रहे हैं वैशाली, और वहाँ देखते हैं पार्किंग मिलती है कि नहीं। वहाँ तो मिल जाएगा, कचरा देखो कितना है, बहुत कचरा है। हाँ खड़ी तो है। साईं की रसोई, जय हो साईं बाबा। ये फोर सेल क्या होता है? एक बार ना स्नेहा पापा और मैं आए थे चांदनी चौक, और स्कूटी से आ गए हम तो पता क्या हुआ, नो पार्किंग हो रहा साइन है। देखो ये अर्थला है, नो पार्किंग दिख रहा है आपको? तो आपको अर्थला है ये मुझे तो दिख गया। अरे पागल ही बन रहा है, बात में मैं बिना पार्किंग तो वहाँ बिना पार्किंग बनाना चाहिए ना। अब जहाँ पे हमारे घर वहाँ पे बनेगा स्टेशन मेट्रो, को वहाँ पे भी नहीं बनेगी ना पार्किंग? दोनों सेम सेम टी शर्ट। तो यहाँ आ गया है पेट्रोल पंप, गरम धर्म ढाबा है देखो ये, लेकिन ये लोकल है, ये वो वाला नहीं है जो रियल में धर्मेंद्र का है मूर्थल में, लेकिन ये उसी की कॉपी है, सेम गेट ऐसे ही था, सेम टू सेम गरम धर्म ढाबा। और कितनी धूल उड़ रही है रास्ते में, माय गॉड। तो मैंने स्टोरी नहीं सुनाई, क्या हुआ फिर? क्या हुआ? तो मैं और तेरे पापा आए यहाँ पे चांदनी चौक के लिए, हमने प्लान बनाया कि हम चांदनी चौक में शॉपिंग करने जाएंगे, और इतनी बारिश उस दिन, सारे रास्ते में बारिश ही बारिश, और पूरे पैरों तक घुटनों तक पानी, और हालत खराब हो गई पहुंचने में,
बस जैसे तैसे पहुंचे हम वहां पे, और इतनी भीड़ इतनी भीड़। तो हम ना वहां पहुंच गए और रास्ते में सारे कपड़े गीले हैं यहाँ तक, और कान पकड़ लिया कि कभी नहीं आएंगे चांदनी चौक, इतनी बुरी हालत, नहरों तो रोड, खाने के लिए कोई जगह नहीं है, बारिश पड़ रही है। फिर एक बीकानेर वाली शॉप थी, उसमें रुके, भटूरे खाए, वो भी बिल्कुल बेकार भटूरे थे। मैं बीकानेर का नाम तो है लेकिन पता नहीं, हमें तो अच्छे लगे नहीं। और फिर उसके बाद हम गए चांदनी चौक, चांदनी चौक में इतनी नैरो रोड, वहाँ कोई रिक्शे वाला नहीं जाता, पैदल गए, पैदल आए। ये देखो ये पीछे वो है लाल किला देखते हुए चलेंगे, और लाल किला भी हम देख चुके हैं गाइस, लाल किला भी देख, हाँ, रेड फोर्ट भी देख चुके हैं दो बार। फिर इतनी बारिश थी कि कुछ सारा फ्लॉप हो गया। फिर उसके बाद हम आए और इतनी बुरी हालत हो चुकी थी हमारी, और जो लेने गए थे वो तो मिला नहीं। अपने लिए तो शॉपिंग हुई नहीं, मेरी भाभी के लिए शॉपिंग की बहन है, मैंने अपने लिए नहीं की, गेरा मेट्रो वापस आ गई, तो इसलिए बेकार है। बिल्कुल The moral of the story is you should never believe in rain forecast. बारिश का मौसम था तब भी और आज भी बारिश का ही है। और बड़े खुश होकर निकले थे, अरे भाई आज तो शॉपिंग करने आएंगे, सारी दुनिया जाती है तो हम भी देखते हैं चांदनी चौक का मार्केट कैसा है। और गाइस अभी तो हमने एक बार सोचा कि सरोजनी नगर है ना, वहाँ पे भी बहुत अच्छा सामान मिलता है, तो चीप रेट्स में मिलता है, तो वहाँ भी एक बार ट्राई करेंगे जाके हम कैसा मिलता है। हालांकि सस्ता कहीं नहीं मिलता, ये सब बेकार की बातें हैं। वो चलते हैं मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन पहुंच भी गए थे लेकिन पार्किंग दूसरे मेट्रो, चलो बाय। यही से तो मिलती है ना बस, यही तो है ना, यही है ना मेट्रो, हाँ यही है, हाँ यही है, याद आ गया मुझे। अरे मम्मी हम यहाँ से गौर मॉल है यहाँ पे, हाँ हम यहाँ पे गाइस, हम यहाँ पे पहले भी आए हैं, मैं यहाँ पे 5 टाइम्स और आ चुकी हूँ स्कूल की ट्रिप से। आपकी बार दो, हमें 2 इयर्स हो गए हम स्कूल की ट्रिप पे कहीं नहीं गए हैं, और अब मैं 9th में आ जाऊंगी तो मेरे 2 डेज का स्कूल का ट्रिप होगा, और फिर अगर उसमें फोन अलाउड होगा तो मैं वहाँ पे व्लॉगिंग करूंगी। यहाँ पे इन्हें पता नहीं है, लोकल नहीं है ये, अब किसी से पूछना पड़ेगा मेट्रो की पार्किंग कहाँ है। नहीं, हाँ। नहीं होगी, ऐसे कैसे हो जाएगा, वो क्या है अंदर को, वही तो है, हमने भी वही बस खड़ी करी थी अंदर। अरे हम नहीं गए थे जब, अरे अंदर चलो तो ऊपर को, अंदर भागो, अरे वो जहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता है। तो गाइस मेट्रो स्टेशन आ चुका है, हम अपनी कार पार्किंग पर लगाने जा रहे हैं, तो और हमें कोई आइडिया नहीं है कहाँ पर लगेगी, कहाँ लगेगी घुमा के जाएंगे फिर और क्या, नहीं लगेगी तो घुमा कर जाएंगे। बस पर्ची कट रही है, वो क्यों पर्ची क्यों कट रही है, अरे पार्किंग वही तो था, पार्किंग ये नहीं है, पार्किंग नहीं, ये नहीं है पार्किंग। मौसम चेंज हो चुका है, अभी बहुत ज्यादा धूप निकली हुई थी, अब बारिश का मौसम है। पूछो इससे पूछ लो ना, ये रहा ना जलजीरा वाला, इससे पूछ लो, अरे साइड पे लगा के पूछ लो ना, 1 सेकंड लगेगी, आगे निकल गया तो कोई बता ही देगा। हाँ तो डोर आ रहा है हमारे पीछे पीछे, वो इतनी पार्किंग तो ना बनाए आपने, स्पैक्स हुआ सर, हमें तो याद ही नहीं हम अपने स्पैक्स भूल चुके हैं, गॉगल्स तो मेरे तो स्पेक्स ही हैं, मेरे तो आई साइड वीक के लग रहे हैं ना, तो मेरे तो अपनी नानी को स्पेक्स है वो दूसरे हैं, यहाँ तो लोकल वाले मिल रहे हैं, तो फोटो मिलेगा चाहिए। अच्छा इतने भी लोकल नहीं लगाते हैं क्या यार, इल्यूमिनाटी का चश्मा मिल रहा है, ये देखो पार्किंग का कुछ नहीं पता, अब ये पूछने गए हैं कि पार्किंग कहाँ है, भाई आ चुका है, बातें कर रहे हैं आपस में, गाड़ी में बच्चे बैठे हुए हैं, और यहाँ ये भी नहीं पता है कि पार्किंग कहाँ है गाइस, कोई बता दो अगर किसी को पता हो तो। इंडिया में फैसिलिटी ऐसी
है, अगर आप किसी और कंट्री में जाओगे वहाँ पे आपको बोर्ड्स दिखेंगे, मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ रोड्स के साइन बोर्ड दिखेंगे, पर पार्किंग और नो एंट्री इसके साइन बोर्ड कहीं नहीं दिखेंगे। तो आपको बहुत कंफर्म करना पड़ेगा कि आपको कहाँ जाना है। तो गाइस अगर आप इंडिया आए तो ध्यान रखना है ये बात। इंडिया के तो गाय चल रही है, कितनी हरियाली है यहाँ पर देखो, और वहाँ भी क्या हुआ किसी को नहीं पता, शॉपकीपर से पूछ रहे हैं। ऊपर भी गवाय नहीं, यहाँ पर बहुत सारे पार्किंग लॉट है गाइस, ये देखो बहुत सारे। तो अब आ गए हम वैशाली में, किधर से जाना पड़ा, इधर से जाना। तो अब हमने ले ली है ये देखो पर्ची, दिखाती हूँ कितने सारे पार्किंग लॉट्स बने हुए हैं, देखो सामने आपको दिख रहे हैं, वो देखो पूरा बिल्डिंग है। तो गाइस अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो आप वैशाली में आइए, अगर आपके पास कार है। नहीं अंदर अंदर फर्स्ट फ्लोर ना, हमें यही उतार। ये देखो ये बेसमेंट है, उसके ऊपर ग्राउंड लेवल है, और वो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर है। कहाँ दिखा रही है, गाड़ी की सीट में? अरे तो यहीं खड़ा हो, यहीं दो बैठो। हाँ यहीं छोड़ो। ओके तो अब आ गए हैं हम मेट्रो स्टेशन पर, और यहाँ पर हमें पार्किंग मिल गई है गाइस, और हम सब मिल गए हैं। हाय बोलो सब, हाय। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं, है आगे जाने की तैयारी? हाँ गला भी खराब हो रहा है, जा रही रसगुल्ले खा लिए, और मुझे थकाना भी थकाना। सिद्धि रिद्धि कहाँ जा रही है, जल्दी बता, पर्स खोल रही है। कहाँ जा रही है, तेरा बर्थडे है, तेरे बर्थडे की पार्टी होगी, तेरे बर्थडे की पार्टी देगी, जल्दी बता, जल्दी बता। तो गाइस इसका आने वाला है बर्थडे, और आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि इसका बर्थडे आने वाला है, तो आज हम बर्थडे की पार्टी लेंगे सिद्धि से। ठीक है तो मैं दिखा देती हूँ आपको पूरा, ये देखो। तो हम अर्थला के यहाँ पर गए थे तो वहाँ पार्किंग ही नहीं मिली, यहाँ पर पार्किंग मिली है, यहाँ आना पड़ा है। अब हम जाएंगे मेट्रो से और आपको दिखाएंगे मेट्रो का सफर। तो देखो इस तरह से ट्रेन आ गई है, ओ माय गॉड, ट्रेन का एक्सपीरियंस कैसा है, जल्दी बोलो। सिद्धि कैसा लगा, अच्छा लग रहा है ना मेट्रो में? अभी रैपिड में चलेगी, दो साल बाद उसमें से घूमेंगे। हाय बोलो, हाय हाय। तो हम फर्स्ट टाइम मेट्रो में बैठे हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है गाइस। तो गाइस मैं आपके लिए मेट्रो ब्लॉग अलग से लेकर आने वाली हूँ, जिसमें मेरा फुल ब्लॉग होगा कि मेट्रो में हमने कैसे सफ़र किया और बाय मेट्रो हम म्यूज़ियम में कैसे गए। तो आप प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। और अब आ गए हैं हम म्यूज़ियम में, और देख सकते हैं बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं। तो फुल म्यूज़ियम ब्लॉग आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारी वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर योर सेल्फ, बाय बाय गाइज। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, प्लीज़ स्किप मत करना, नेक्स्ट व्लॉग होगा ट्रेन म्यूज़ियम ट्रिप, तो आप उसे ज़रूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है गाइज। हमने फुल मस्ती की यहाँ पर, आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। Find a real
find a real me. So let's go. She's a feeling. Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to winning.